हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों फाइनली अभी हमारा लोकेशन देख सकते हो और हम कहाँ पे हैं। और भाई देख सकते हो, ये हाईवे है और ये अयोध्या वाला रोड है और ये भाई छोटा सा टेम्पू है और हम और प्रधान और सरमन तीनों आदमी खलीलाबाद के लिए निकले हैं। और एक घंटा हो गया निकले हुए और टाइम भी हो गया 2:36। तो अभी देख सकते हो नाश्ता पानी हो रहा है रास्ते में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा खलीलाबाद और कपड़ा लाने के लिए। और आप लोग भाई वीडियो बने रहना, ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं भाई माल कहाँ से लेते हो, आप दिखाते नहीं हो। तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे हम माल कहाँ से लेते हैं। तो चलो बने रहना दोस्तों, यहाँ से निकलते हैं नाश्ता पानी करके। अभी देख क्या हाल है तेरह क्या दोस्तों। अभी नाश्ता पानी हो गया और यहाँ से कितने किलोमीटर है श्रवण? यस अभी कम कम है तो 200 किलोमीटर है। तो प्रधान जी कितना टाइम लग जाएगा अभी पहुँचने में? 4 घंटे लग जाएगा। तो भाई अभी देख सको इसी टेम्पू से हम लोग भाई 200-250 किलोमीटर जाना है, 250 किलोमीटर आना है। और इसी से जाते हैं तीनों आदमी, इसी के में बैठ कर जाते हैं तीनों आदमी। तो नाश्ता पानी हो गया तो भैया निकलते हैं फटाफट यहाँ से दोस्तों, सीधा इसके बाद अयोध्या आएगा। तो भाई फाइनली भी खलीलाबाद पहुंच गया और भाई अपनी गाड़ी खड़ी कर दिया उधर टेम्पो, और अभी बहुत सारी गाड़ी इधर खड़ी हैं। तो टाइम हो गया दोस्तों 6:07 चार मिनट बाकी हैं। तो चलते भाई अभी खरीदारी करते हैं सामान का, जो भी कपड़ा लेना फटाफट ले लेते हैं क्योंकि शाम हो गया। तो दोस्तों फाइनली अभी मार्केट में एंट्री करने जा रहा हूँ क्योंकि भाई अभी देख सकते हो और रात का समय है, बहुत दूर तक ये मार्केट लगता है। और इसी तरह भाई जितने भी आते हैं व्यापारी लोग बहुत बड़े बड़े से दिल्ली, मुंबई, पटना, बिहार और ये पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। और जितने भी आते हैं सारे लोग 2 दिन के लिए आते हैं और काफ़ी अच्छी दुकान लगा के रखते हैं। और अभी भाई इनके यहाँ मैं शुरुआत कर दूँ क्योंकि अभी कुर्ती बहुत तरह के डिज़ाइन के है, ऐसे सामने जितनी भी कुर्ती टांगी हुई है जो पसंद आए उसी में से आप चुन लो। खलीलाबाद आने का यही एक सबसे अच्छा है क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाना नहीं पड़ता कि भाई ये पीस दिखाओ वो पीस दिखाओ, यहाँ पर जितने भी कपड़े होते हैं सारे बाहर टंगे होते हैं और सब दिखते हैं। और जिस रंग का जो आपको पसंद आए वही कुर्ती ले लो क्योंकि यहाँ पर एक दुकान पर कपड़ा नहीं लेना होता, हज़ारों दुकान पर है तो हज़ारों दुकान पर जाना पड़ता है कुर्ती वाले के यहाँ, फिर फ्राक के यहाँ, फिर लेडीज़ के छो, मतलब जितनी भी आपको वरायटी लेना है हर वरायटी की दुकान अलग अलग है और आपको जो जो पसंद आए वही भाई लेते रहो। और अभी जितने भी आदमी देखते हैं कैमरा वो बोलते हैं भाई कितने कैमरा लिया कितने कैमरा लिया, क्योंकि कैमरा भाई GoPro है तो इससे हमें शूट करता हूं। तो काफ़ी लोग कहते हैं भाई दिखाओ हमें भी दिखाओ किस तरह क्वालिटी आया था, और काफ़ी ऐसे लोग मिल जाते हैं भाई कैमरा के पीछे पड़ जाते हैं। और काफ़ी दोस्तों फाइनली रात को हम लोग 1:30 बजे चले हैं और अभी सुबह 4:30 बज गए हैं। तो अभी हम उजाला होने लगा तो भाई मैं अकेला लेटा हुआ था, पीछे 2 आदमी आगे गाड़ी चला रहे हैं क्योंकि हम आगे बैठे थे तो काफ़ी नींद आ रहा था, मैं पीछे आ गया फिर सो गया। तो अभी फिलहाल दोस्तों चलते हैं घर और आपको घर पे सीधा डायरेक्ट मिलते हैं क्योंकि अभी गांव किससे कम से कम 20 किलोमीटर दूर है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों खलीलाबाद से आया और काफ़ी भाई थक गया था और पूरी रात गया, पूरी रात आया और सोने का थोड़ा सा भी टाइम लगा, पीछे जो मैं बैठा हुआ था यहीं पर सो गया था, बाकी और कहीं सोने की जगह नहीं मिला। तो मैं खलीलाबाद से दोस्तों 30,000 का कपड़ा लेकर आया हूँ और दोस्त मेरे साथ गए थे किसी कोई 50,000 कोई 70,000, वो लोग होल सेलर हैं तो वो लोग ज़्यादा कपड़ा लेते हैं हमेशा। तो दोस्तों अभी फाइनली थोड़ा बहुत आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या लेके आया हूँ और अभी क्या क्या बैग में पैक करके रखा हूँ। तो अभी दोस्तों ये पूरा गट्ठर अभी पैक है, इसमें पूरा कपड़ा टोटल है खलीलाबाद का। और दोस्तों अभी जो भी कपड़ा थोड़ा बहुत बाहर उस तरह पैक करके रखा था इसको मार्केट ले जाने के लिए अभी वहां निकाल लिया हूं दोस्तों फाइनली ये लाया हूं। और बैग है स्कूली, तो 3 मॉडल है, 3 मॉडल छोटा बड़ा मीडियम 3 मॉडल है, तो ये भी मार्केट में बहुत ज्यादा बिकता है तो इसको लेना जरूरी था तो इसको भी ले लिया हूं दोस्तों। और आगे दिखाता हूं आपको,
और ये है दोस्तों स्टॉल छोटा है जो काफ़ी अच्छा रेंज में बिकता है, उसमें बहुत ज़्यादा इसका डिमांड है तो इसको भी लेना जरूर था, इसको भी ले लिया हूँ दोस्तों। और ये चुनरी काफ़ी दिनों से मेरे पास खत्म थी, देख सकते हो रंग बिरंगी, देख सकते हो ये रंग बिरंगी दोस्तों चुनरियाँ हैं और ये भी अच्छा खासा 100-150 रुपये में बहुत ज़्यादा बिकती हैं। तो प्लाजो खत्म था दोस्तों, प्लाजो भी ले लिया हूँ। और कुर्ती दोस्तों कई डिज़ाइन की आपको दिखाते दिखाते काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, बस ऊपर से एक एक दिखाता हूँ, बाद में आपको खोल दिखा दूंगा कि किस तरह मैं लेके आया हूँ कुर्ती। और कुर्ती सब नंबर एक के लाया हूँ और ऐसा कुर्ती छाड़ के लाया हूँ कि मार्केट में होना उस तरह। तो अभी देख सकते हो ये न्यू मॉडल एकदम आई है कुर्ती, तो ये भी ले लिया हूँ। और एक इसमें का ये है, इसको भी भाई ले लिया हूँ। और दोस्तों जितनी भी कुर्ती लाया हूँ सारा छाँट के लाया हूँ, अभी देख सकते हो। और अपने अंदाज से भाई अच्छा रेंज में, मतलब सोच से कई गुना मतलब ज़्यादा अच्छी हैं, जो कितने में बेच सकते हैं आपको मार्केट में बेच के दिखाऊंगा कि कितने की बिकती है दोस्तों मार्केट में, जब बिकेगी तो ही पता लगेगा तो एक कुर्ती में कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो देख सकते हो बढ़िया ब्रांडेड कुर्तियाँ दोस्तों, ये 25 पीस लिया हूँ, 25 से 30। और दोस्तों अभी प्लाजो देख सकते हो, प्लाजो भी लेके आया हूँ। ये सारा जितना सामान निकला हूँ ये टोटल मार्केट के लिए पैक करने जा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट है मुसाफिर खाना बाजार है। तो अभी दोस्तों इसका भी देख सकते हो, ये भी खत्म था मेरे पास। और ये वाला भाई बहुत ज़्यादा बिकता है मार्केट के अंदर, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। अभी देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा बिकता है दोस्तों, तो फाइनली इसको भी रखता हूँ साइड में, बैग में पैक करना स्टार्ट करते हूँ। तो दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर मार्केट में कभी भी आप दुकान खोल रहे हो या फिर फेरी पे या फिर मार्केट जाना चाहते हो तो आपको इसी तरह सामान चुन चुन के लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों आपको खिचड़ी इकट्ठा ही ले आना कपड़ा और जो वो दे उसी तरह ले लो, आपको इसलिए आपको एक एक दुकान पर नहीं दिखा पाया क्योंकि हमें बहुत दुकानों पर कपड़ा लेना था दोस्तों। और रात के समय में दोस्तों कैमरा ऑन करना मुश्किल होता है क्योंकि क्वालिटी उतना अच्छा आता नहीं, और कहीं पर लाइट होता ज़्यादा कहीं पर कम होता तो कैमरे में झिलमिलाता थोड़ा बहुत, आप देखिए तो किस तरह झिलमिलाता है। और भाई हम लोग जब इतनी दूर जाते हैं 200-250 किलोमीटर दूर, तो जल्दी जल्दी वहाँ पर खरीदारी करते हैं ताकि क्योंकि दो दिन का मार्केट लगता है खलीलाबाद में, आज शनिचर एतवार और उसके बाद फिर बंद रहता है, तो काफी अच्छा सेल मतलब खरीदा हो रात में और इसलिए आपको वीडियो नहीं दिखा पाया पूरा एक एक करके। और दोस्तों रात में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है कि कपड़ों का पहचान करना किस तरह, जब लाइट आता है तो कपड़ा कुछ और दिखता है, दिन में कुछ और दिखता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों 30,000 का माल लाया हूँ और इसमें अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। तो दोस्तों अभी चलता हूँ पैक कर लेता हूँ फटाफट। और तो फाइनली दोस्तों अच्छे से पैक कर लिया हूँ, देख सकते हो मस्त। तो चलता हूँ इसको इसी तहमत से भाई बिछा के बांध देता हूँ। तो चलो ढाको फ्रेंड्स। और दोस्तों आज हम मुसाफिर खाना बाजार, और आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय।